बोट वॉच मरकरी मरकरी बिकॉज इसमें है टेम्परेचर मेजरमेंट सेंसर जो कि थर्मोमीटर में होता है और उसके लिए यूज होता है मरकरी जो कि पीरियोडिक टेबल में 80th पोजीशन में रहता है, इसलिए उनो कार्ड में भी 80 है। पैकेजिंग बहुत ही बेकार है बाय द वे। एनीवे वारंटी कार्ड मिल जाएगी, कुछ मैनुअल्स, एक्स्ट्रा कैटलॉग, एक मैग्नेटिक चार्जिंग पिन एंड देन फाइनली द वॉच इटसेल्फ। चार्जिंग पिन परफेक्टली यहाँ पर फिट हो जाता है, अटैच हो जाता है, विच इज गुड। What the tech is going on, friends? मेरा नाम है विकी निकोडर की तरफ से और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और बोट वॉच मरकरी रिव्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले दो चीजें। नंबर वन, वीडियो को लाइक कर देना बिकॉज YouTube एल्गोरिथम इसको प्यार करता है। और नंबर टू, अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो देन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लेकिन खरीदने से पहले रिव्यू भी देख लीजिए, तभी जाके आपको पता चलेगा कि इसके पीछे आपको 2000 रुपए स्पेंड करना चाहिए या फिर आपको पैसे बचा के क्रिसमस में केक खरीदना चाहिए। इसका डिजाइन लाइक एनी अदर वॉचेस प्राइस रेंज में। मेरे पास व्हाइट कलर वेरिएंट है जिसमें आपको हल्का सा एक गोल्डन टिंट मिलता है। दिखने में ये काफी खूबसूरत है। जो स्ट्रैप है वो काफी अच्छी क्वालिटी से बनाया गया है, ये सॉफ्ट है और ओवरऑल जो वॉच है वो प्लास्टिक के फ्रेम से यहाँ पर मेड है, पर प्लास्टिक के ऊपर आपको एक मेटालिक फिनिश दिया गया है। सो ओवरऑल दोस्तों मुझे यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी सही लगी है प्राइस के हिसाब से, बट ध्यान रखना ये मेटल नहीं है, मेटालिक बस कोटिंग है। इसका 1.5 इंच का डिस्प्ले काफी लार्ज है, मैंने इसको रेडमी वॉच के साइड में रखा था, ये डेफिनेटली लार्जर है। डिस्प्ले में दोस्तों जो आइकॉन्स है वो मुझे हल्के से डिसैचुरेटेड लगे हैं, अगर जो कलर्स है वो ज्यादा पॉप करते देन बेटर होता। हालांकि ब्राइटनेस काफी सही है, मैंने इसको आउटडोर में यूज किया था, सफिशियंटली ब्राइट है, नॉट द ब्राइटेस्ट। जो शार्पनेस है वो भी यहाँ पर ठीक ठाक है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर जो बॉटम बेजल है वो काफ़ी ज़्यादा, इसको देने की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज जो डिस्प्ले है वो ऑलरेडी काफ़ी बिगर है, तो बेजल को यहाँ पर ट्रिम किया जा सकता था। इसका रेज टू वे काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है, बट अगर आप इसको नीचे कर देते हो देन स्क्रीन टर्न ऑफ नहीं होता है, जो कि थोड़ा सा अजीब है। अगर आप मेन स्क्रीन में प्रेस एंड होल्ड करोगे देन आप वॉच फेसेस को चेंज कर पाओगे, बट डेफिनेटली आप ऐप के थ्रू यहाँ पर एक्स्ट्रा वॉच फेस भी डाउनलोड कर सकते हो। और कलेक्शन मुझे काफी यहाँ पर सही लगा है। यहाँ पर बाय द वे आपको कोई भी डबल टैप टू वेक का फीचर नहीं दिया गया है, आपको फिजिकल बटन को प्रेस करना पड़ेगा। हालांकि जो यूआई है वो मुझे काफी स्मूथ लगा है, मैंने यहाँ पर कोई भी लैगिनेस नोटिस नहीं की है। स्वाइप फ्रॉम राइट और आपको बेसिक हेल्थ स्टेटस स्लीप डेटा वगैरह मिल जाएगा, एंड स्वाइप फ्रॉम लेफ्ट तो आपको मैसेजेस शेड्यूल सेशन मिल जाएंगे। अगर आप बॉटम से स्वाइप करोगे देन आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे लाइक हेल्थ मॉनिटरिंग, स्टॉप वॉच, टाइमर, फाइंड फोन एटसेट्रा। यहाँ पर एक चीज दोस्तों मुझे काफी वियर्ड लगी, वो है इसका म्यूजिक ऐप। आप डायरेक्टली होम स्क्रीन से म्यूजिक कंट्रोल्स को यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते, आपको पहले एप्स में जाना होगा, फिर म्यूजिक को एक्सेस करना होगा, और वहाँ पर भी मीडिया का नेम शो नहीं होता, यानी कि आप कौन सा गाना बजा रहे हो वो आप देख नहीं पाओगे। आप सिर्फ मीडिया को कंट्रोल कर पाओगे या फिर आप वॉल्यूम को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर पाओगे, तो ये मुझे अजीब लगा, नॉट कॉन्वीनियंट। अच्छा, एक्टिविटीज़ को लेकर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, बास्केटबॉल और बैडमिंटन दिया गया है। थैंक यू बोट वालों, बैडमिंटन खेलना मुझे बहुत ही पसंद है। वेल, वर्कआउट हिस्ट्री में जाके आप अपने पिछले एक्टिविटीज को देख पाओगे कि आपने कितना जल्दी यहाँ पर रन किया है, आपका जो एवरेज स्टेप पर मिनट है एक्सेट्रा, यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब सवाल आता है मेरे दोस्त कि यहाँ पर जो ट्रैकिंग है वो कितना एक्यूरेट है, तो यहाँ पर आपको ऑटो हार्ट रेट सेंसर मिल जाएगा, SPO2 मॉनिटरिंग है, थर्मल चेकिंग है यानी कि आपका टेम्परेचर कितना है वो सब मेजर कर पाएगा। और अगर मैं इसके स्टेप काउंटर को लेकर बात करूँ देन मैं कहूँगा इसका स्टेप काउंटर काफ़ी एक्यूरेट था। मैंने इसको पहन के मैंने वॉकिंग किया है, काफ़ी एक्यूरेटली ये यहाँ पर डिटेक्ट कर रहा था, और फॉल्स स्टेप यहाँ पर दोस्तों काफ़ी कम यहाँ पर डिटेक्ट होता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। तो स्टेप काउंटर तो इसमें सही है, बट उसके बाद अगर मैं इसके HR को बोलूँ या फिर SPO2 को बोलूँ, दोस्तों इन पर बिल्कुल भी आप भरोसा मत कीजिए, काइंड ऑफ हिट और मिस है। इवन ये ऑब्जेक्ट में भी डिटेक्ट कर लेता है, तो या आप कभी कभी इसको यूज़ कर सकते हो, बट डेफिनेटली दोस्तों ये जो मैट्रिक्स है ये रिलायबल नहीं है। और इंटरेस्टिंग चीज़ है थर्मल चेकिंग, यहाँ पर आपको थर्मोमीटर का ऑप्शन दिया गया है, और मैंने इसको चेक किया था मेरे एक डेडिकेटेड थर्मोमीटर के साथ, थर्मोमीटर में था 96 और ये 95.6 को टच कर रहा था, तो एक्यूरेट नहीं है, बट फिर भी मैं काफ़ी क्लोज कहूँगा एक बजट स्मार्ट वॉच के लिए तो ठीक ही है। और इसका स्लीप मॉनिटरिंग तो दोस्तों बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है, इसने 9 आवर्स मेरा स्लीप डेटा शो किया था, हालांकि मैंने सिर्फ 7 आवर्स की ही झपकी ली थी। अब इसको कनेक्ट करने के लिए आपको बोट क्रेस्ट वाला ऐप यूज़ करना होगा, एंड ऑनेस्टली ऐप में अभी भी बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, ये अभी भी काफ़ी एक ओल्ड स्कूल ऐप दिखाई देता है। यहाँ पर जो हेल्थ डेटा है, जो ग्राफ्स है, वो काफ़ी पुराने दिनों वाला दिखाई दे रहा है, मॉडर्न UI की यहाँ पर ज़रूरत है। और यहाँ पर दोस्तों आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन के भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप नोटिफिकेशन तो रिसीव कर सकते हो, बट सिलेक्टेड ऐप से आप कस्टमाइज्ड यहाँ पर ऐप को चूज़ नहीं कर सकते। हालांकि नोटिफिकेशन काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है, इंस्टेंटेनियस आ जाता है, और जो वाइब्रेशन मोटर है वो काफ़ी स्ट्रांग है, बट वो इमोजी सपोर्ट नहीं करता है। आप इसमें कॉल अलर्ट्स भी पा सकते हो, और अच्छी बात है आप कॉल को एक्सेप्ट कर सकते हो, यानी कि अगर आप
आपने ब्लूटूथ ईयरफोन को कनेक्ट किया है देन एक्सेप्ट कर लो और ब्लूटूथ ईयरफोन में आवाज़ आ जाएगी। तो नोटिफिकेशन के मामले में मैं कहूँगा कि यहाँ पर बोट ने अच्छा काम किया है। फाइनली बैटरी, तो मैंने इसको एक दिन से ज़्यादा यूज़ कर लिया है और ये 90% पे है। मैंने ऑटो एचआर सेंसर को ऑन किया था 15 मिनट्स के इंटरवल में और काफ़ी मैंने इसको एक दिन यूज़ किया है तो 90% में है। तो इस हिसाब से अगर आप यूज़ करोगे देन आई गेस आपको अराउंड 6 to 7 days का बैटरी बैकअप तो ईजिली मिल जाएगा। तो बैटरी बैकअप प्राइस के हिसाब से सही है। अब फाइनली बात करते हैं कि क्या 2000 rupees में आपको बोट मर्करी वॉच परचेस करना चाहिए। देन अगर आप इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग एक स्टाइलिश लुकिंग वॉच चाहते हो जिसमें मेटालिक फिनिश हो, जिसका डिस्प्ले लार्ज हो और डिसेंट हो, जिसमें आपको नोटिफिकेशन वगैरह सही से मिल जाए और बस आप कह सको कि आप एक स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहे हो, देन आप इसको परचेस कर सकते हो। बट अगर ज़रूरत नहीं है देन आई गेस आपको स्किप कर देना चाहिए। पैसे बचाओ, क्रिसमस का केक खरीदो, या फिर अगर आपको स्मार्ट वॉच चाहिए ही देन चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज फ्यूचर में मैं और भी ज़्यादा स्मार्ट वॉच को कवर करने की कोशिश करूँगा, करने वाला हूँ। खैर दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करना ना भूलिए। आपका दिन शुभ रहे, मिलता है अगले वीडियो में, एंड पीस।